हम साथ हैं, दुश्मन बन गए तो अपना अपना देखो भाई। ये चीजें जो है अभिषेक कहते हुए नजर आ रही हैं। जैसे कि अभिषेक का, इवन जिया का सबसे ज्यादा देखा जाए तो अभिषेक का मूड ऑफ है, क्योंकि अभिषेक अपने ऊपर ये बात ले रहे हैं कि भाई मैं भूल कैसे गया, मैं मतलब कि बहुत ही बड़ा मैंने ना ये गलती कर दी, मुझे पता था फिर भी मैंने वो गलती कर दी, समझदार बनके भी मैं बेवकूफ हो गया। यहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही हैं, पर उसी दौरान ही उनका कहना ये है कि ये जो भी चीजें हुई है वो अच्छे के लिए ही हुई है, क्योंकि लोगों के चेहरे मेरे सामने आ गए हैं। जिया भी बात कर रही है, जिया काफी सारी बातें कर रही है, जिया भी बोल रही है, कल रात से जो है लगातार इनके बीच में बातें हो रही है। जिया जो है काफी ज्यादा कोशिश कर रही है अभिषेक के मन से चीजें निकालने की, अभिषेक को थोड़ा मनाने की, अभिषेक को थोड़ा चेयरअप करने की, अभिषेक के माइंड में स्टक हो चुकी है चीजें। जहां पर जिया ने बोला टाइम मशीन होती तो यार पीछे जाके ना मैं वो मूवमेंट चेंज कर देती, हम लोगों को ये नॉमिनेट हम लोग होते नहीं, पर ये तो चल सोचने की बातें हैं। पर वहीं पर अभिषेक बोलते हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, एटलीस्ट लोगों के चेहरे तो मेरे सामने आए। जहां पर जिया भी भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। ऑफकोर्स कोई भी ऐसा होगा कि पता नहीं अभिषेक अभी मुझसे तो नहीं नाराज हो गया, पता नहीं मेरे मुंह से तो नहीं कोई ऐसी चीज निकल गई, मैंने तो नहीं ऐसा कर दिया। क्योंकि जिया को भी पता है कि अभिषेक जो है बहुत सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर, अगर कोई उनके साथ है लॉयल है, वो हद तक लॉयल है अभिषेक, पर लॉयल अगर अभिषेक के साथ बैक स्टेप कोई करता है तब अभिषेक जो है उसको दिल से निकाल के फेंक देते, चाहे ऊपर से मीठे बने पर दिल से जो है वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें चल रही है, अभी भी लगातार जो है अभिषेक और जिया की बातें हो रही है, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है। अब क्या होगा आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।